हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL में निकली मैनेजर लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार की नवरत्न कंपनी BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है, उसमें यहाँ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लीगल मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, इनके कॉरपोरेट ऑफिस बेंगलुरु के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इससे पहले जान लें कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये एक नवरत्न कंपनी है। तो भारत की जो नवरत्न कंपनियाँ हैं, टॉप लेवल की कंपनीज होती हैं, यहाँ बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है। तो चलिए डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट मैनेजर लीगल। तो दोस्तों, यहाँ पर थर्ड ग्रेड की है। यहाँ जो टोटल आप वैकेंसीज़ की बात करें, टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। पहली जो वैकेंसी है वो बेंगलुरु के लिए है और जो दूसरी वैकेंसी है वो गाजियाबाद के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि रिजर्वेशन कैसा है, तो एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है और एक OBC कैटेगरी का जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उसके लिए यहाँ पर रिजर्व है। तो अगर यहाँ पर सैलरी पैकेज की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर 14 लाख का जो है CTC है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है 50,000 से लेकर के 1,60,000 के आसपास बन जाता है जा करके। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो एज लिमिट जो काउंट की जाएगी 1 दिसंबर 2021 से काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो भी आपका 1 दिसंबर 2021 से काउंट होगा। तो दोस्तों, अब क्वालिफिकेशन डिग्री की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बैचलर ऑफ लॉ अर्थात LLB की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की, किसी भी BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने LLM की डिग्री कर रखी होगी, तो यहाँ पर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो किन कामों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जो लेबर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, आपके जो लेबर लॉज हैं, RTI एक्ट हो गया, और उसके साथ साथ जो कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जो बेसिक नॉलेज होता है, सिविल केसेज हो गए, क्रिमिनल केसेज हो गए, इनकी प्रोसीडिंग्स कैसे कोर्ट में करनी वो हो गया, आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है उसको प्रिपेयर करना, रिव्यू करना, इस तरीके के यहाँ पर जो है बहुत सारे वर्क हैं जो लीगल वर्क हैं। इसके साथ साथ आपका गुड न्यूगेशन भी होना चाहिए और ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, उसमें खास करके जो MS ऑफिस है वो पैकेज आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी होगी, तो यहाँ सभी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे आपके SC ST हैंडीकैप पर्सन, तो इनके लिए पूरी तरह फ्री है। और जो आपके यहाँ पर दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं इनसे अलग, तो उनके लिए 750 रुपीज़ रखी गई है पर कैंडिडेट, ये फीस पे करनी होगी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, तो इस वैकेंसी के लिए जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2022 है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर एक रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट के बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। इसका अप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों, उसके लिए जो है आपके पास यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, तो यहाँ पर हाई स्कूल का हो गया डॉक्यूमेंट आपका, उसके साथ साथ जो LLB की डिग्री हो गई उसे करना होगा, आपकी जो फाइनल डिग्री है उसे भी करना होगा, मार्कशीट के साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जो एक्सपीरियंस है उसे लगाना होगा, और उसके साथ साथ आपका जो है जो पेमेंट करेंगे आप, जो ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन ही करना है, उसका भी लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, उसको अभी जो आपको कॉपी लगानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID में से एक लगाना होगा। इस सभी को फिलअप करके आपको एक इन्वेलप में भर लीजिए, उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। फिर इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, डेप्यूटी मैनेजर HR/CO भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कॉरपोरेट ऑफिस आउटर रिंग रोड नवाग्वारा बंगलौर 560045। यहाँ पर आपको पहुँचा देना है 5 फरवरी 2022 से पहले पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।